सेगमेंट में लगातार डेवलपमेंट चल रही है और कई क्षेत्र की सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है और इसी सेगमेंट में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न और सेंट्रल में पहले ही ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इम्पेयर रिसोर्स तो है ही है, अब हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ रही है। वहीं ये भी कहा गया है कि यूपी को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने के पर्पस से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टेट की वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया को ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के हब में बदलने का डिसीजन लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कदम से लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। वहीं आपको एक और खास बात बता देते हैं, 2019 में ऑटो इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन $1.5 billion था, जो आने वाले 5 सालों में बढ़कर $5 billion हो जाएगी। साथ ही एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वेस्टर्न और सेंट्रल उत्तर प्रदेश 9000 से 10000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, जिसे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट $19 से $20 billion खर्च करने वाली है और यहाँ बनाने वाले ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया में सप्लाई किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, इटावा को सिलेक्ट किया है, जो बूस्ट करेगा एमएसएमई सेक्टर को। वहीं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, हापुर, कानपुर नगर और मेरठ में सेटअप होगा एक बड़ा एंटरप्राइज, ताकि ऑटो इंडस्ट्री को इनकरेज किया जा सके। आप ईवी सेगमेंट में यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले पर कितने खुश हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, पावर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।